वेल ये यहाँ मैंने जब व्हेन आई वॉक्ड इन ओनली मुझे लगा कि जगह इतनी खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया है. दीवार, चेयर्स, सब चीज़ में इतना यू नो इंटरेस्ट लिया गया है. वॉल्स आर ब्यूटीफुल, द चेयर्स, डीजे है अंदर सैलॉन में, डीजे है, म्यूज़िक इतना अच्छा है, टैटू पार्लर है, वॉल्स इतनी अच्छी तरीके से पेंट किया गया है, बहुत ही स्टाइलिश प्लेस है. तो आई थिंक आई लव इट. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं काटे हैं, लेकिन आज के बाद, यहाँ आने के बाद, ये जगह देखने के बाद, उनसे मिलने के बाद, ज़रूर आई विल डेफिनेटली गो अहेड फॉर अ हेयर कट. बिकॉज बट द थिंग इज़ कि मैं बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ अपने बालों के साथ और अपने स्टाइल के साथ. आई नॉर्मली हैव लॉन्ग हेयर, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू दिस आफ्टर कमिंग हेयर टुडे. वेल आई होप सो, क्योंकि पार्लर से ज़्यादा तो लाउंज लग रहा है. इट्स लुकिंग लाइक अ प्लेस जहाँ आप आकर रिलैक्स कर सकते हैं, जहाँ लोग आपके तरीके के लोग हैं, यू नो, यहाँ वे यू कैन कनेक्ट विथ, हु अंडरस्टैंड वॉट यू वॉन्ट. तो आई थिंक दैट आई होप कि ऐसा हो, लेकिन आज के बाद आई विल डेफिनेटली कम हियर ऑल द टाइम. थैंक यू, थैंक यू. वेल मेरी एक फ्रेंड है, उनका नाम भी आयशा है, वो वर्सोवा में रहती है, लेकिन शी इज़ ऑलवेज बिन कटिंग माई हेयर एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विथ हर. सो हाँ, मैं वहाँ काटती हूँ अपने बाल. अभी नेक्स्ट टाइम पक्का फिर आपको बुलाऊंगी इंटरव्यू लेने के लिए. आई विल डेफिनेटली ट्राई वंस. और आयशा, फिल्मों में भी आप धीरे धीरे जोर पकड़ रही हैं. हाँ जी, हाँ जी. आपका लुक कैसा है उस पर? वेल वो फिल्म अभी 24 दिसंबर को रिलीज होगी, डे आफ्टर मेरा प्रोमो शुरू होगा. फिल्म बहुत ही अच्छा शेप अप हुआ है. कैरेक्टर, मेरा कैरेक्टर का नाम शगुन है, बहुत ही सिंपल गर्ल है. फैशन वाइज, स्टाइल वाइज, इफ़ यू आर टॉकिंग, वो एक फैशन डिजाइनर है फिल्म में, तो दैट्स गुड. और चश्मा पहनती है. इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर फ्रॉम व्हाट आई प्लेड इन टार्ज़न. और सोचा ना था मेरी तीसरी फिल्म जो रिलीज़ हो रही है, तो इट्स फन, इट्स बीन गुड. उसमें मेरे बाल स्ट्रेट है, नॉर्मल जैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टाइल नहीं है उसमें. थैंक यू सो मच.